तो अपना परिचय। मेरा नाम सपना सिंह, मैं प्राथमिक विद्यालय मरियाना कृषि रामनगर ब्लॉक जौनपुर से असिस्टेंट टीचर बच्चों का। तो इस पूरे आप टीचिंग करके सबसे ज़्यादा इंजॉय किस करते? मैं टीचिंग करते समय अपने बच्चों को खेल खेल में जब सिखाती हूँ और वो खेल के माध्यम से जब बहुत बढ़िया से सीखते हैं और उनका अध्ययन स्तर मुझे लगता है बढ़ रहा है तो मैं बहुत ही इंजॉय करती हूँ उनके साथ खेल खेल में पढ़ाने के। जब वो खुशी से सीखते हैं तो उसके साथ मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ। आपकी लाइफ में टीचिंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मेरे लाइफ में टीचिंग का चैलेंज ये था कि मैं देखती हूँ कक्षा में जाती थी तो देखती थी बच्चे भी मन से अधूरे मन से अरुचपूर्वक पढ़ रहे हैं और पुराने परंपरागत तरीके से पढ़ाई हो रही थी उसके पहले वे देखती थी कि मन लगा के नहीं पढ़ रहे। तो ये मेरे लिए चैलेंज था कि इनको मैं कैसे इनका अध्ययन स्तर बढ़ाऊँ, उसके लिए मैं क्या करूँ, और यही मेरे लिए चैलेंज था। मैंने इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने कुछ खेल वाले नवाचार बनाए जिससे बच्चे पढ़े तो लेकिन उन्हें ये न लगे कि मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, उन्हें लगे कि खेल हो रहा है और खेल के माध्यम से वो पढ़ना शुरू कर दे उनका अधिगम बढ़ जाए। यही मेरे लिए चैलेंज था, मैंने इसको पूरा करने की काफ़ी कोशिश किया है, मुझे उसका रिजल्ट नहीं रहा और आगे पुस्तक लेखन या पुस्तक लेखन हो रहा है वो क्यों होना ज़रूरी है? ये जो सर ने जो भी टाटा टेक ने जो लोग ये कदम उठाए हैं उन्हें पहले धन्यवाद, और ये होना जरूरी था और बहुत अच्छा वो लोग सोचे हैं क्योंकि इस माध्यम से जो शिक्षक दूर दराज कहीं पे अपना कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो भी अपने स्कूल में अच्छे मेथड से पढ़ा रहे हैं, उनका जो वो गुड़ है उनके ब्लॉक लेवल या बहुत होता है पड़ोसी स्कूल तक सीमित जा रहा है, इस पुस्तक के माध्यम से जब उनके वो अच्छे टीचिंग के मेथड या जो भी उनका तरीका है जो पुस्तक में छपेगा तो उसको पढ़ के बाकी और अदर डिस्ट्रिक्ट के भी और भी टीचर उसको पढ़ेंगे और उससे प्रेरणा पा के वे भी उनको जो अच्छा लगता है वो अपने स्कूल में अप्लाई करके वे भी उसकी सहायता से अपने बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ाएंगे और शिक्षा गुणवत्ता बढ़ेगी। अगर ये कार्यशाला नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ता पुस्तक में? ये कार्यशाला होने से जो टीचरों के अंदर झिझक या कुछ कमियां थी इस कार्यशाला में उन्होंने अपना वो कार्यशाला के माध्यम से जो अच्छे अच्छे प्रशिक्षक आए थे वो लोग भी कुछ नई बातें बताए जो हम लोगों को पहले से नहीं पता थी और कुछ बातें हमको लगता था हम सही हैं लेकिन जब उन्होंने हमारी कमियों को बता कर लगा कहा हमको अभी कम आ रहा था मुझे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी।